कक्षा दस में जो है गणित में आज हम लोग जो है समानुपातिकता प्रमेय का विलोम यानी थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे। और थेल्स प्रमेय का विलोम को हम लोग आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं, आनुपातिकता प्रमेय। इसमें क्या होता है, पहले देखो समानुपातिकता प्रमेय क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका वीडियो बन चुका है, प्रमेय एक है, ठीक। प्रमेय क्या है, समानुपातिकता प्रमेय, उसका वीडियो हम लोग बना चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा आप इसका रिवीजन कर रहे हैं। थेल्स के प्रमेय का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय एक ही होता है। समानुपातिकता प्रमेय का विलोम या थेल्स प्रमेय का विलोम यह एक होता है, ठीक। हम थोड़ा सा थेल्स प्रमेय जानते हैं वो क्या होता है। थेल्स का प्रमेय त्रिभुज में है, किसमें है, इन्होंने त्रिभुज में दिया है, क्या दिया है, ध्यान सुनो। थेल्स ने बताया अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है, थेल्स ने बताया कोई त्रिभुज ए बी सी है और बी सी के समांतर कोई रेखा डी या अंदर हो या तो बाहर हो खींच लिया जाए, तो जो डी होता है ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटता है। जैसे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे बी सी, ये वाला कब हम लिखेंगे, जब बी सी समांतर डी। कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं भी प्रश्न में बी सी समांतर डी दिया है तब हम लोग तुरंत उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब कहीं भी क्वेश्चन में आ गया बी सी समांतर डी, तब तुरंत हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे इसका मतलब ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे बी सी। ये किसने बताया था, थेल्स ने। और इस प्रमेय को हम लोग समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। एक बात ध्यान से फिर से समझो, समानुपातिकता प्रमेय में समांतर दिया रहता है, अनुपात के रूप में हम लोग लिखते हैं। समानुपातिकता प्रमेय में क्या होता है, समांतर दिया रहता है, हम लोग जो है अनुपात के रूप में लिखते हैं। अब आज का जो प्रमेय इसका विलोम आनुपातिकता प्रमेय, इसमें क्या है, प्रश्न में ये वाला दिया रहेगा आनुपातिकता प्रमेय में, ये समानुपातिकता में है, समानुपातिकता प्रमेय। अनुपातिकता प्रमेय में क्या है, अनुपातिकता प्रमेय में क्या है, जब ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, तब हम लोग क्या लिखेंगे, डी ई समांतर। आज का जो प्रमेय है, कल के प्रमेय मतलब पिछले वीडियो वाले प्रमेय में, इस प्रमेय समानुपातिकता प्रमेय में ये समांतर दिया रहता था, हम लोग अनुपात लिखते थे ना, लेकिन आज का प्रमेय जो है उसमें क्या है, ये अनुपात दिया रहेगा हम लोग समांतर लिखेंगे, अनुपात दिया रहेगा हम लोग क्या लिखेंगे, समांतर लिखेंगे, ठीक। तो चलो ये तो क्वेश्चन हल करते समय अनुपात दिया रहेगा तो तब समांतर लिखेंगे, लेकिन आज हम लोग पहले इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं तो मतलब यह कैसे होता है, ठीक। तो सबसे पहले कथन लिखो इसका, कथन लिखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं, एक रेखा किसी त्रिभुज की, एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, समान अनुपात में विभाजित करे, तब वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है, तब वह रेखा
तीसरी भुजा के समांतर होता है, अर्थात अर्थात मान लिख लो नीचे से, जब AD बटे BB बराबर AE बटे EC, तब DE समांतर BC। मतलब कथन यही कह रहा है, कथन क्या कह रहा है, अगर AD बटे DB बराबर AE बटे EC है तब DE समांतर क्या होगा, BC ना, ये कथन बोल रहा है। कौन बोल रहा है, कथन। इसी कथन को हम लोग अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं ना, और इसको जो है हम यहाँ पे आज सिद्ध करेंगे यह कैसे होता है, DE समांतर BC क्यों होता है, कब कैसे होता है, कैसे आता है, इसको बताएंगे। ठीक, ये कथन हो गया ना। सिद्ध क्या करना है, पहले दिया है, देखो दिया है, का दिया है, एक त्रिभुज एबीसी ना, एक त्रिभुज एबीसी। दूसरा बात क्या दिया है, कथन पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या दिया है। दूसरा बात ये दिया है कि एक रेखा जो त्रिभुज की दो भुजाओं को, एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है, एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रहा है। मतलब AB बटे DB बराबर AE बटे EC, यह भी दिया है ना, AB बटे DB बराबर AE बटे EC। कैसे जानेंगे यह दिया है, कथन बोल रहा है कि मतलब कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो कोई रेखा यह हो गया, त्रिभुज की दो भुजाया हो गया, एक भुजाया एक भुजाया समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया है, हम इतना दिया है, अब सिद्ध करना हम क्या करना है, ध्यान से देखो, सिद्ध करना है DE समांतर BC ना, थोड़ा सा रचना करना होगा इसमें। हाँ, थोड़ा सा इसमें रचना करना है, रचना ये करना है भाई, देखो प्रश्न में ये नहीं दिया है कि DE समांतर BC है, कथन में नहीं दिया है ना, हमें ये सिद्ध करना है कि DE समांतर क्या है, BC। तो हम क्या करेंगे, हम जो है ये मानते हैं, रचना मत लिखिए, उत्पत्ति डायरेक्ट लिखिए, उत्पत्ति। इसमें क्या होता है, माना डी एफ समांतर बी सी, क्या मानेंगे डी एफ, यहां से तो बिंदु लेते हैं एफ ना, डी एफ समांतर क्या है बी सी, समझा। अब ध्यान से देखो, समझो ध्यान से, अब कल वाली बात आ गई, जब DF समांतर BC है तो हम लोग क्या लिखते हैं, समानुपातिकता प्रमेय क्या बताता है, अगर दो रेखा एक दूसरे के समांतर हो त्रिभुज में तो AD बटे DB बराबर AF बटे FC होता है नहीं। तो भाई फिर इसने क्या बताया था, फिर से यहाँ A B C यहाँ P Q, फिर इसने बताया था अगर यह इसके समांतर है, कौन बताया था, यह इसकी समांतर है तो हम लोग क्या लिखते हैं, तब एपी बटे बीपी बराबर एपी बटा सी, लिखते ही नहीं, फिर से नहीं, इतना ये बताया था, यदि यहाँ पर यदि था यहाँ पर तब, हमें आपका माने माना डीएफ समांतर बीसी, डीएफ समांतर बीसी, तब थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्ची, एडी बटा डी बटा एडी बटा एडी बटा डी बी बराबर एफ बटा एफ सी, ए
एम बटा एम सी, ये समीकरण नंबर दो हो गया। और जो दिया में है इसको समीकरण नंबर एक, ठीक है, ये प्रश्न में तो दिया है, ठीक है। तो समीकरण एक और दो से चलो हम लोग चेक करते हैं, समीकरण एक और दो से क्या निष्कर्ष किया था है? एडी बटा डी बी समीकरण एक में भी है, एडी बटा डी बी का मान कितना है ए बटा ई सी। अब समीकरण दो से हमें क्या मिला, एडी बटा डी बी बराबर ए एफ बटा एफ सी। देखो इसका मान ए भी है और इसी का मान ए भी है, इसका मतलब क्या होगा ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, नहीं समझे क्या ऐसे क्यों कैसे बराबर होता है। देखो राम बराबर दस रुपया ना, लक्ष्मण बराबर कितने मान लो ये भी दस रुपया, ठीक है, इनका भी दस है इनका भी दस है, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं। उसी तरीके से समझो इसका भी मान यही है इसका भी मान यही है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो संकरण एक बार दो से क्या हो गया ए एफ बटे एफ सी बराबर क्या हो गया ए ई बटा बी सी, बस हो गया ए ई बटा बी सी। अब देखो क्या होगा, हमें क्या सिद्ध करना है डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी। अब इससे तो समांतर नहीं है भी आया, इससे समांतर आया नहीं आया, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। देखो कैसे हम समांतर लाते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब एक जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा बताओ, प्लस वन बराबर बटे ई सी प्लस प्लस, लेकिन इसको सरल करो प्लस एफ सी बटे एफ सी ना, लस ले लेंगे इसका लस ली एफ सी, एफ सी में एफ सी का भाग दिए एक, एक में एफ का गुणा करे एफ प्लस एफ सी में एक का भाग दिए एफ सी एक का एफ सी, इसको भी बटा एक करेंगे ए प्लस ये कट जाएगी, एक को गुणा करेंगे ए इसको भाग देंगे इसी इसी एक का इसी। अब ए एफ प्लस एफ सी बराबर बताओ चित्र से देखकर, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी जोड़ेंगे क्या आएगा ए सी बटे एफ सी बराबर ना। अब फिर क्या होगा इसका ए सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए और प्लस ई सी जोड़ेंगे तो ए सी बटे ई सी, समझ में आया। अब ध्यान से देखो ए सी तो कट जाएगा, ए सी तो कट गया, ए सी कैंसिल नहीं होगा, होगा ही नहीं, छत्तू मिलो तो क्या बचेगा, इसको काट देते हैं एक बटा एफ सी बराबर एक बटा इसी उड़ा कर दो, इसी बराबर एफ सी, इसी बराबर एफ सी, इसी बराबर एफ सी, इसी बराबर एफ सी। चित्र में आ जाओ, चित्र से देखो ध्यान से, चित्र से एफ सी ई सी कब बराबर होंगे, एफ सी ई सी कब बराबर होंगे, चित्र से बराबर होंगे ये ई सी एफ सी एक ही शर्त पे बराबर होंगे, जब ये ए वाला एफ ई पर होगा तब, या ई कहाँ होगा एफ पर तभी ना बराबर होंगे, ये तो बोला है इसी बराबर एफ सी, जब इसी बराबर एफ सी हो गया, जब इसी बराबर एफ सी हो गया तो हम लोग क्या समझेंगे कि ई और एफ संपाती है, संपाती का मतलब क्या होता है समान नहीं, संपाती मतलब एक ही जगह, जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई है और फिर कोई दूसरा भी यही पा गया तो उसको संपाती बोलते हैं। तो ई इसी बराबर एफ सी कब सत्य होगा, इसी बराबर एफ सी कब सत्य होगा,
जब ई और एफ एक ही बिंदु पर हो, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इसी बड़ा एफ सी है, यहाँ लिख रहे हैं उपरोक्त उपरोक्त संबंध तभी सत्य होगा जब ई व एफ संपाति संपाति होंगी ना। ई और एफ संपाति हो गए तो मतलब ई के स्थान पे कौन हो गया एफ, और एफ के स्थान पर ई। अब देखो कहीं हम लोग माने हैं, कहीं माने थे कि डी एफ समांतर बी सी, इसलिए डी एफ समांतर बी सी ये माने थे ना, ये माना गया था, माना गया था डी एफ समांतर बी सी माना गया था। अब एफ के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो 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 ई, एफ और ई संपाति है मतलब का एफ के स्थान पे ई और ई के स्थान पे एफ, हाँ तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं या बी ई समांतर बी सी, बात समझ में आया। तो देखो इसको कैसे सिद्ध किए, पहले थोड़ा सा मतलब हम उसको मौखिक बताते हैं उसको विद्यास लोग। पहला बात क्या करना है, पहले एक ठो त्रिभुज बनाना है, और त्रिभुज में दिया था ए डी बटे डी बी बराबर ए जी बटे ई सी, ये दिया गया था ठीक। हमें सिद्ध करना था डी ई समांतर बी सी, ये सिद्ध करना था। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी को समीकरण एक मानेंगे, क्या मानेंगे समीकरण एक। अच्छा उसके बाद क्या हम किए थे, माना बी सी समांतर डी एफ, बी सी समांतर डी एफ, जब बीसी के समांतर डीएफ मान लिए तो थेल्स ने तो हमें बहुत बढ़िया बात बताया था, अगर यह दोनों समांतर है तो एडी बटे डीबी बराबर एएफ बटे एफसी होगा, कौन बताया था थेल्स। अब इसको समीकरण दो मान लिए, समीकरण एक और दो को बराबरी तो किए तो हमें क्या मिला ए बटे ईसी बराबर एएफ बटे एफसी, उसके बाद एसी एसी कट गया तो इसका विदा कर दिए, ये वाला संबंध आ गया एसी बराबर एफसी ना, मतलब प्लस एक जोड़ने के बाद एसी एसी कट गया हमारा संबंध ये आ गया। ये कब सत्य होगा, जब ई और एफ संपाति होंगे, समझा। अब जब ई और एफ संपाति हो गए तो हम जो माने थे बस उसी में संशोधन थोड़ा सा करना है, बस क्या संशोधन करना था, हम माने थे क्या डीएफ बराबर बीसी, डी एफ के स्थान पे डी बराबर बी सी, यही तो सिद्ध करना था, आते कथन हो गया। इसको अनुपातिकता प्रमेय कहते हैं, अनुपातिकता प्रमेय में क्या होता है, अनुपात दिया रहता है, हमें समांतर लाना होता है ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल है, चित्र में एपी बराबर 3 सेमी और पीबी बराबर 6 सेमी, एक्यू बराबर 2 सेमी और क्यू सी बराबर 86, तब सिद्ध करना है हमें पी क्यू समांतर बी सी। हाँ प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको हल करते हैं। हाँ देखिए ध्यान से हमें क्या सिद्ध करना है, पी क्यू समांतर बी सी, तो चलो पी क्यू समांतर बी सी कब होगा, जब इनका अनुपात समान होगा ना, तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले एपी बटे पीबी निकालते हैं, अनुपात अनुपात देखते हैं समान आता है नहीं, 3/6 कितना है 1/2, एपी बटा पीबी, एपी के स्थान पे 3 और बटा पीबी के स्थान पे 6, इतना 1/2। अब उसको भी करते हैं एक्यू और एक्यू बटा क्यू सी, एक्यू कितना है 2 सेमी, कितना है 4 सेमी, कट गया कितना है 1/2। हम देखते हैं कि एपी बटे पीबी बराबर एक्यू बटा क्यूसी, दोनों का मान क्या है सेम है, दोनों का मान सेम है, तो कौन सा प्रमेय लगेगा, अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर है तो अनुपातिकता प्रमेय, अनुपातिकता
प्रमेय से क्या हुआ, पी क्यू समांतर क्या रहेगा, जब अनुपात समान रहेगा तो हम समांतर ला सकते, जब समांतर दिया रहेगा तो अनुपात लाएंगे ना। तो एक अपने दिमाग रख लो, पहले ये दिया है ना तो यहाँ समांतर लाना है तो अनुपातिकता प्रमेय से, जब यह वाला दिया रहेगा ये लाना होगा तो समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक, हाँ देखिए इस प्रश्न में जो है दिया है पी क्यू समांतर एम एल और पी एम का मान 6 सेमी, एल क्यू का मान 9 सेमी, पी एन का मान 18 सेमी, एल पी का मान पूछा है, एल पी का मान। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान देखो, माना एल पी पूछा है, एल पी को एक मान लेते हैं, एल पी पूछा है एल पी को क्या मानेंगे, अच्छा जब थेल्स का प्रमेय क्या था, जब यह समांतर रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल पी बटा पी एम रहा एल पी बटे पी एन, या समानुपातिकता प्रमेय से, या इसलिए जब पी क्यू समांतर एम एन तब हम लोग क्या लिख सकते, हम क्या लिखते थे, जब पी क्यू समांतर एम एन तब एल पी बटे पी एम बराबर एल क्यू बटे क्यू एन, ये लिखते थे, एल पी के स्थान पे x बटा पी एम के स्थान पे 6, एल क्यू के स्थान पे 9, क्यू एन के स्थान पर 18। देखो ध्यान से फिर से, जब पी क्यू ये किसने बताया था, थेल्स का प्रमेय से या समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय क्या है, जब पी क्यू समांतर एम एन तब एल पी बटे पी एम बराबर एल क्यू बटे क्यू एन। ठीक, एल पी के स्थान पे एक्स बटे पी एम, पी एम देखो कहाँ है, बराबर एल क्यू कितना है, 9 बटा क्यू एन 18, पीछा बता दो 18x = 54, एक्स बराबर 54/18 कितना हो गया, 3 सेमी, एक्स बराबर 3 सेमी, इसलिए एल पी बराबर कितना हो गया, 3 सेमी, ये आंसर हो गया।